ये कीर्तिमान है, बल्कि नवरात्रि के दिनों में कोई ऐसा दिन ना बीता जब कम से कम 40,000 श्रद्धालु यहाँ पर ना पधारे हों, बल्कि 8वें नवरात्रे के दिन हमने स्वयं संख्या का थोड़ा सा ध्यान किया, 45,000 से अधिक। और इसलिए आपकी सूचना के लिए ये भी कहना अनिवार्य है कि बात हमने केंद्र में मोदी जी के आगे रखी, और मुझे भारत सरकार का आभार प्रकट करना है कि गति शक्ति ट्रेन का प्रारंभ किया जा रहा है, वीकेंड ट्रेन रहेगी कल शनिवार से, ताकि जो बहुत भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए। इसके अतिरिक्त कटरा एक ऐसा स्थान है मोदी जी की प्राथमिकता में सदा से ही रहा, यही वो स्थान है जहां पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार मनोनीत होने के बाद अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम हुआ था वो भी कटरा वैष्णो देवी के रेल स्टेशन के लोकार्पण को लेकर के हुआ था। प्रसाद स्कीम जो हाल ही में लागू की गई है उसमें भी कटरा शामिल हो गया है। और एक सूचना आपके लिए ये भी है कि जो एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से लेकर कटरा तक, अब उसका आखिरी चरण का कार्य प्रारंभ होने वाला है जम्मू और कटरा के बीच में, और इस प्रकार की कल्पना की जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि शायद उसको लेकर के भी एक भव्य कार्यक्रम भूमि पूजन का यहाँ पर किया जा सके।